हेलो एवरीवन, मैं हूं धर्म दुबे और आप देख रहे हैं आज की खास खबरें। एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह कपिल शर्मा के शो को जज कर रही हैं। अर्चना अपने बच्चों से खूब सारा प्यार करती हैं और उनके साथ बेस्ट फ्रेंड की तरह रहती हैं। अर्चना के छोटे बेटे आयुष्मान यूएसए में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इस बीच समय निकालकर अर्चना पहुंची हुई थी आयुष्मान से मिलने के लिए। यूएसए पहुंचने के बाद अर्चना चौंक गई क्योंकि उन्हें एक चौंकने वाली बात का पता चला। दरअसल अर्चना को पता चला है कि उनका लाडला बेटा आयुष्मान गुजरात में रहने वाली एक लड़की को डेट कर रहा है जो उसी के साथ वहीं पढ़ती है। इस खूबसूरत लड़की का नाम है संस्कृति जैना, जिसकी तस्वीरें आयुष्मान के सोशल मीडिया अकाउंट पर भरी पड़ी है। खबरों की माने तो इस बात से अर्चना सिंह बेहद खुश है और वे संस्कृति जैना को पसंद भी करती है। बिग बॉस शो से ढेर सारा नाम कमा चुके दीपक ठाकुर इन दिनों एमटीवी एस ऑफ स्पेस में खतरनाक टर्न करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मिल रही जानकारी के मुताबिक दीपक ठाकुर इस समय अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि एस ऑफ स्पेस हाउस के अंदर बिग बॉस कंटेस्टेंट को शो में साप्ताहिक टास्क दिया गया था, जिसे करते हुए उन्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ा। इस टास्क को बॉम्बर्स और बम स्कॉन नाम दिया गया था। जैसे दीपक को चोट लगी वैसे ही इस टास्क को रोक दिया गया, हालांकि दीपक अब खतरे से बाहर हैं। स्टार प्लस पर आने वाला शो नामकरण की अभिनेत्री नलिनी नेगी ने अपने रूममेट प्रीति राणा और उसकी मां के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। नलिनी का आरोप है कि उनकी रूममेट प्रीति ने उन्हें बुरी तरह पीटा है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें उनके चेहरे पर काफी चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। अभिनेत्री का चेहरा बुरी तरह लाल हो गया है। नलिनी के रूममेट का नाम प्रीति राणा है और प्रीति की मां का नाम स्नेहलता है। आपको बता दें कि नलिनी मुंबई के ओशिवारा में 2BHK फ्लैट लेकर रहती हैं। अपने साथ ही नलिनी ने प्रीति को भी रहने की इजाजत दे दी। कुछ दिन बाद प्रीति ने अपनी मां को भी बुला लिया। जब नलिनी ने मां बेटी को अपना घर खाली करने के लिए कहा तो दोनों ने नलिनी पर हाथ छोड़ दिया। फिलहाल अब मामला पुलिस के पास है। बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट और रियलिटी शो एस ऑफ के मास्टर माइंड विकास गुप्ता के शो में बेसर अली, क्रिस्टन बरेटो, दीपक ठाकुर, लुसिंडा निकोलस जैसे कुछ सेलिब्रिटीज को शामिल किया गया है। पहला हफ्ता शुरू होते ही शो ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं। जहां एक तरफ दीपक ठाकुर घायल हो गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टन बरेटो को अस्थमा का दौरा पड़ा है, जिसके बाद क्रिस्टन ने शो छोड़ने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि क्रिस्टन बरेटो ने टीवी सीरियल कैसी ये यारियां, इश्कबाज, ससुराल सिमर का जैसे सीरियल में दमदार किरदार निभाया है। ऐसे में देखते हैं अब मेकर्स का फैसला क्या होता है। रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी से एक और सेलिब्रिटी बाहर आ चुका है, जिसका नाम है नागिन फेम अदा खान। जी हां, अदा खान टॉप 6 कंटेस्टेंट्स की लिस्ट से बाहर हो गई हैं। हालांकि एलिमिनेशन राउंड में अदा खान ने अपना बेस्ट दिया और पूरी कोशिश की कि स्टंट को बेहतर कर सकें। अब जो खिलाड़ी टॉप 6 में शामिल हैं उनमें धर्मेश येलांडे, करिश्मा तन्ना, करण पटेल, तेजस्विनी प्रकाश, शिविन नारंग, बलराज सयाल का नाम शामिल है। खतरों के खिलाड़ी 10 में सबसे पहला एलिमिनेशन भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी का हुआ था। तो दोस्तों, ये थी टीवी जगत से आज की टॉप 5 न्यूज। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखते रहें हिंदी रश।